Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So today's topic of discussion is Article 59, the Senate. But before starting my discussion, if you people haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Article 59 क्या कहता है? Clause 1 कहती है that Senate shall consist of 104 members. कि Senate जो है वो 104 members पर मुश्तमिल होगी. आगे उनकी division बता दी गई. Clause A में क्या है? कि जो 14 members होंगे वो हर provincial assemblies में से elect होंगे. मतलब 4 सूबे हैं, 4 provinces हैं, तो हर province में से 14 members जब elect हुए तो वो total 56 members होंगे. बी पार्ट क्या कहता है, जो 8 मेंबर्स हैं वो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज फाटा में से इलेक्ट होंगे सेनेट के लिए. और ये किस तरह से इलेक्ट होंगे? अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. प्रेसिडेंट जो है वो इनको इलेक्ट करेगा. लेकिन 18 अमेंडमेंट जब हुई 2010 में, तो उसके बाद अब क्या होता है कि जो नेशनल असम्बली के MNAs हैं वो फाटा के मेम्बर्स को इलेक्ट करते हैं सेनेटर्स के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास 2 जनरल सीट्स. जो 2 जनरल सीट्स हैं जनरल इलेक्शन के बाद, वो 2 सीट्स, एक वुमेन की सीट और एक टेक्नोक्रेट की सीट्स, जिसमें आलिम भी हमारे साथ इंक्लूडेड होगा, वो कहाँ से इलेक्ट होंगे? फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से इलेक्ट होंगे ये 4 मेंबर्स. 2 जनरल सीट्स पे एक वुमेन की सीट होगी और एक टेक्नोक्रेट की सीट होगी, जो फेडरल कैपिटल से अकॉर्डिंग टू प्रेजिडेंशियल ऑर्डर इलेक्ट होंगे सेनेटर्स के लिए. डी क्या कहता है, 4 वीमेन शेल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असम्बली. जो वीमेन की सीट रिजर्व्ड हैं वो हर प्रोविंशियल असम्बली में से 4 वीमेन्स इलेक्ट होंगी. नेक्स्ट है हमारे पास 4 टेक्नोक्रेट्स. 4 जो टेक्नोक्रेट्स हैं जिनमें उलमा भी शामिल होंगे, वो भी हर प्रोविंशियल असम्बली में से सेनेटर्स के लिए इलेक्ट होंगे. तो अगर हम इन तमाम को काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल 104 मेंबर्स बनते हैं. क्लॉज 2 क्या कहती है, जो इलेक्शंस होगा सेनेटर्स के लिए वो हर प्रोविंसेस को सीट्स अलॉट की हुई हैं और वो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से इलेक्ट होते हैं बाय मींस ऑफ ट्रांसफरेबल वोट्स. अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब क्या है, कि हर मेंबर ने अपने प्रोविंस में एक ख़ास तनासिब से प्रोपोर्शनल के हिसाब से जो है वोट्स हासिल करने. फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान की 65 सीट्स हैं, तो अगर आप उसको डिवाइड करें तो वो हमारे पास टोटल निकलती हैं 9 सीट्स. मींस तो हर बंदे ने बलूचिस्तान से तकरीबन एटलीस्ट 9 वोट्स तो लाजमी ही हासिल करने हैं. नेक्स्ट क्लॉज 3 क्या कहती है, कि जो सेनेट है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती. जैसे हमने नेशनल असेंबली का पढ़ा कि वो डिसॉल्व हो सकती है, प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सेनेट कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि इसके मेंबर्स हर 6 साल बाद खुद ब खुद रिटायर हो जाते हैं जैसे ही उनका टेन्योर पूरा होता है. अब ये आगे हमें बताया है कि रिटायरमेंट किस तरह से होती है. ए में बताया है कि जो 14 मेंबर्स थे जो हर प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट हुए हैं, उनके जो 7 मेंबर्स हैं वो पहले 3 सालों में जो है रिटायर होंगे और जो बाकी 7 मेंबर्स हैं वो अगले 3 सालों में रिटायर होंगे. नेक्स्ट हमने पढ़ा जो फाटा से 8 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, 4 जो है वो पहले 3 सालों में इलेक्ट होंगे, रिटायर होंगे, और 4 जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में रिटायर हो जाएंगे. इसी तरह जनरल सीट्स की बात करें तो पहली जनरल सीट पे जो होगा वो पहले 3 सालों में रिटायर होगा और बाकी जो हैं दूसरा जो जनरल सीट पे होगा वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में रिटायर होगा. इसी तरह एक वीमेन जो है वो पहले 3 सालों में रिटायर होगी और टेक्नोक्रेट जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में रिटायर हो जाएगा. इसी तरह जो 4 वीमेन हमने सेलेक्ट की हर प्रोविंशियल असम्बली से, तो 2 वीमेन जो हैं वो पहले 3 सालों में रिटायर होंगी और जो 2 हैं वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो हैं वो रिटायर हो जाएंगी. इसी तरह जो टेक्नोक्रेट हैं वो पहले दो जो हैं वो पहले 3 सालों में रिटायर होंगे और जो बाकी 2 हैं वो अगले 3 सालों में रिटायर होंगे. अब यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन बताई है कि अगर कोई बंदा कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए सेनेट में आता है तो वो उस वक्त तक जो है अपनी टर्म पूरी करेगा जब जितनी उस बंदे की टर्म रहती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने 4 साल जो है वो सेनेट में काम किया है, वो 4 साल तक इलेक्ट था, 4 साल बाद लेट से उस बंदे की डेथ हो गई है, तो जो नया बंदा इलेक्ट होके आएगा वो उसकी मुद्दत चूँकि 6 साल की थी तो वो सिर्फ 2 ईयर्स तक ही जो है वो सेनेट में अपना पार्ट प्ले करेगा. वो सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट होगा, जैसे ही 6 साल पूरे होंगे वो रिटायर हो जाएगा. So this was our Article 59.